ना। हाँ, आपको नमस्कार करते हैं और कल तो अपलोड हो गया था, लेकिन हो सकता है अपलोड नहीं हो, शुरू में बोल लेते हैं, इसे ध्यान से पढ़ना। अपलोड नहीं भी हो सकता है, ध्यान से पढ़ना भाई। यह क्लास 10 है और यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है और यह आलेखीय विधि से हल है। लेसन 3.1 है, केसी सिन्हा से 3.1 है। तो आलेख हम दो दिन पढ़ा चुके हैं, आज आलेख ही तीसरा दिन है, याद रखिए। हाँ, तो देखिए क्या, सुन लीजिए। कल इसको हम यहाँ तक बता दिए थे, इन्हें कहना कि सर पहले बना लिए तब समझा रहे हैं, नहीं, ये पहले हम कल बता दिए थे यहाँ से यहाँ तक। देखिए क्या, सुन लीजिए। पिता का वर्तमान उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन है केसी सिन्हा किताब का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पिता का वर्तमान उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है और 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता पुत्र का वर्तमान उम्र आलेखीय विधि से निकालें। तो जो कल एब्सेंट था वो ध्यान देना कि पिता पुत्र का उम्र आलेखीय विधि से ज्ञात करें। तो माना कि पिता का वर्तमान उम्र एक्स वर्ष, पुत्र का वर्तमान उम्र क्या है वाई वर्ष। पिता का एक्स वर्ष और पुत्र का क्या माने वाई वर्ष। माना कि पिता का वर्तमान उम्र एक्स वर्ष और पुत्र का वर्तमान उम्र क्या है वाई वर्ष। अच्छा, तो कहता है पिता का वर्तमान उम्र, बोलिए एक्स, पिता का वर्तमान एक्स माने पुत्र काल जो नए काल जो एब्सेंट है उसको पढ़ा रहे हैं अभी। असल लोग ध्यान दीजिए, पिता का वर्तमान उम्र कितना माने एक्स वर्ष, पुत्र का क्या माने वाई वर्ष। तो पिता का वर्तमान उम्र कितना है एक्स, अब पुत्र के उम्र के दुगुने से, तो पुत्र क्या है वाई के क्या गुने से, दुगुने से, दुगुना कर दिए। तो पुत्र की उम्र वाई का दुगुना 30 वर्ष अधिक है, तो 30 जोड़ दिए। तो पिता का वर्तमान उम्र एक्स माने हैं और पुत्र की उम्र के दुगुना 2y से 30 वर्ष अधिक है, 30 जोड़ दिए। प्लस तो माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, 10 वर्ष बाद, तो बाद में जुटता है और पहले घटता है। ये हम 50 वर्ष का हैं और 10 वर्ष बाद कितना है, 50 + 10 = 60 वर्ष का हो जाएंगे। 10 वर्ष पहले कितना हो जाएंगे, 50 - 10 = 40 तो वर्ष हो जाएंगे। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिता का उम्र, तो वर्तमान एक्स माने थे तो एक्स प्लस 10, अब पुत्र का उम्र वाई प्लस 10, दोनों बढ़ेगा वाई प्लस 10। तो कहता है 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पिता बोलो जी एक्स प्लस 10, पुत्र बोलो जी वाई प्लस 10 का क्या गुना, 3 गुना, 3 गुना कर दी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुना कर दी। तो 10 वर्ष बाद पिता एक्स प्लस 10, पुत्र वाई प्लस 10 का क्या गुना, 3 गुना। सब हिस्सा पूरा बताए थे लेसन 3.5 में। तो 3y 10 + 3 = 30 प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस एक्स माइनस 3y क्या है 20। अब देखिए, तो यहाँ बहुत तुमको समझना पड़ेगा, आप तैयार हो जाइए। क्या हो जाइए, यदि अपलोड नहीं होगा तो हमको नहीं किए सर अपलोड नहीं किए, उसको वाईफाई कम हो जाता है। इसे ध्यान से पढ़िएगा अब स्टार्ट। जब पिता पुत्र का हिसाब आता है सीरियस, तो पिता पुत्र के हिसाब में क्या नियम है,
लड़का अगर लड़का हो तो उसकी उसका जो विवाह है 21 वर्ष से पहले होता नहीं है, एकदम निश्चित हो गया। अच्छा तो पिता उम्र कभी 21 वर्ष से कम नहीं होगा, ये तो एकदम निश्चित हो गया कि नियम है 21 वर्ष के बाद होगा। तो पिता का उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होगा। अब सुनिए, अगर 21 वर्ष होगा, अगर हम ग्राफ बनाएंगे, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, मान लिया यहाँ समझने का है परीक्षा में, ये क्वेश्चन नहीं कि वह एगो ग्राफ पेपर मिलता परीक्षा में आता, जहाँ एक गलती तुम करोगे तो तुमको दूसरा नहीं देगा, इसे ध्यान देना। जहाँ पिता पुत्र का हिसाब आ जाए तब क्या करना, अगर तुम 21 से ज़्यादा होगा अब बोलिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब बोलिए 21 हटेगा नहीं हटेगा। तो पिता पुत्र के हिसाब में क्या करो, पहले रफ कार्ज में, जहाँ रफ का होता है ना, रफ कार्ज में पहले समीकरण को हल कर दो, यानी पहले आंसर प्राप्त कर लो, समझा रहा होगा। अगर तुम ऐसी बना दोगे तो पिता की उम्र 50 वर्ष और पुत्र 10 होगा तो 50 हटेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ चल जाएगा पते नहीं। और ग्राफ पेपर में क्या होता है, ऐसे रहता है 14 घर, ऐसे रहता है 17 घर, नहीं हट पाएगा। तो पूरी तरह से ध्यान से आप इतना समझाते हैं, क्यों समझाते हैं कि हमारा विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा अंक लावे और अच्छा से कहीं पढ़ा लो पढ़ाएगा। तो पिता पुत्र का जैसे ही हिसाब आएगा तो मैंने 21 वर्ष से कम होगा नहीं, तो पहले क्या करना, रफ कार्ज में वही रहता रफ कार्ज, परीक्षा में पेपर रहता रफ कार्ज का, रफ कार्ज जैसे नहीं देंगे रफ कार्ज, रफ कार्ड भी करके तब पहले समीकरण का हल कर देंगे। इनकी नियम नहीं है, नियम क्या है कि जहां ग्राफ कटता है वह हल कहलाता है। लेकिन पता है कहां कटेगा ग्राफ, क्या घर लेंगे पता है नहीं है, इसलिए पहले उसको रफ कार्ड में हल करना। तो रफ कार्ड में हल कर देंगे x-2y 30, यहां रफ कार्ड लिख देंगे तो यहाँ समीकरण x-2y 30 और x-3y 20। अब देखिए जो नहीं देखता वो नहीं समझेगा, इसको हल कर दो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दो को, x बराबर है तो ये भी कर दो लुप्ती कर से हल कर दो, आसान पड़ता है। तो प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस, ऐसे हल कर दिए। तो प्लस 3y-2y तो y बराबर 30-20 तो 10। अब y का मान समीकरण एक में देने पर, एक में दे दो तो x-2y 30, x-2 × 10 = 30, x-20 = 30, x = 30 + 20, x = 20, 30, 50। अब देखिए x 50, y 10, यानी पिता की उम्र 50 वर्ष आएगा, अब पुत्र आएगा क्या है 10 आएगा, ओ तो 10-10 का मानना पड़ेगा। लिख करके वहां रफ कार्ड में ऐसे काट देंगे, अरे ऐसे हम नहीं बनाना है, वहां रफ कार्ड में अलग पेपर अलग रहता ना, उसी में कॉपी रहता है उसमें रफ कार्ड, कैसे रफ कार्ड पर मान निकालेंगे। तो वाई का मान 10, एक्स का मान 50, यानी पिता की उम्र 50 वर्ष अब पुत्र का उम्र 10 वर्ष,
कौन सी बाद में रुको पहले, तो वाई दस एक्स पचास। अब बताओ तो ऐसे हल करना है नहीं करना है, ऐसे हल क्योंकि आंसर निकाल लिए। आंसर निकालने के बाद एगो मान देंगे एक्स पचास तो वाई दस आएगा, यानी एक्स का मान, एक्स का मान पचास, वाई का मान दस। एगो देखो मान देंगे, एक मान अपने मन से देंगे, एक मान देंगे जो निकाले हैं। ऐसे क्यों निकाले? क्योंकि डायरेक्ट बनाओगे ग्राफ तो कटेगा कहाँ पर? पचास पर। पचास हटेगा, हम देख के दू मानेंगे पचास हटेगा। तो मैंने रफ कार्ड में पहले हल कर दिए लुप्ती कार्ड से, जो नियम नहीं है, नियम नहीं है, लेकिन कुछ चलाकी करना पड़ता है, कुछ जो है चलाकी करना पड़ता है, तब परीक्षा में सक्सेस होता आदमी। तो पहले चलाकी कर दिए, इसको लुप्तीकरण से हम मान निकाली, एक्स का मान 50, वाई का मान 10, यानी पिता 50 वर्ष का और पुत्र 10 वर्ष का आया। और तब क्या करेंगे, एक मान देंगे वाई 10, एक्स 50 आएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या ये नियम हुआ? नहीं, ये रफ कार्ज हुआ। और रफ कार्ज में निकाल एक्स का मान 50, वाई का मान 10। जो कॉपी चेक करने वाला इसको नहीं जानता है हम ऐसे निकाले हैं, वो कब दे, वो कैसे देखेंगे? जहां ग्राफ कटेगा वो हल होगा। ये तो हम रफ कार्ज में किए हैं, आंसर निकाली, एक्स का मान 50, वाई का मान 10। अब तब देखो अभी, हाँ आगे बताते हैं, देखो यहाँ बताते हैं, देखो ये पुराने हुआ नहीं थे, यहां तक समझा? यहां तक समझा? यहां तक समझा? जो मान निकाले हैं रफ कार्ड में, मान निकाले हैं रफ कार्ड में, मान निकाली वाई का मान 10, एक्स का मान 50, लेकिन हल करना ग्राफ से हल करना है, हल करना है ग्राफिक हल करना है। हाँ, अब लाते हैं ग्राफ पर, हो सकता है अपलोड नहीं हो इस पर, इसे बढ़िया से ध्यान से पढ़ना। चलो अब अभी आप देखिए है, हाँ एक्स माइनस 2y एक ही समीकरण, एक से समीकरण दो, समीकरण देखिए ऐसा है, ऐसा है एक से एक्स माइनस 2y बराबर 30, एक्स माइनस 2y क्या है 30, एक्स बराबर 30 प्लस 2y माइनस तो प्लस, अभी कुछ तो वाई का मान कुछ भी, वाई का मान 0, तो एक्स का मान 30 प्लस 2 गुना 0, तो 30 प्लस 0 बराबर 30 प्लस 0 बराबर 30। दो वाई का मान 10 जो आंसर लाए हो, वाई का मान 10 पता चल जाएगा। तो वाई बराबर 10, 10 क्यों दिए? 10 हम आंसर निकाल लिए हैं, वाई का मान 10, तो 10 दिए हैं वाई का मान, तो एक्स बराबर 30 प्लस, एक्स का मान 30 प्लस 2 गुना 10, 30 प्लस 20 तो 50। अतः मान सारणी एक्स, तो ये अपने मन से मान लिए 0, वाई का मान 0, एक्स का मान 30, वाई का मान 10, एक्स का मान 50,
50। अब देखो समीकरण एक होगी, अब समीकरण देखो दो यहां है, समीकरण दो से एक्स माइनस थ्री वाई बराबर 30, तो एक्स बराबर 30 प्लस थ्री वाई। अब देखो तो एक्स बराबर 30 प्लस थ्री वाई, तो वाई का मान 0, एक्स का मान 30 प्लस 3 गुना 0, तो 30 प्लस 0 बराबर 30। वाई का मान जितने दे आंसर जो 10 आया आंसर, देखो वाई का मान 10, तो वाई का मान 10 जो आंसर लाए थे चोरी छिपे 10, एक्स बराबर 30 प्लस 3 गुना 10, 3 गुना 10 हाँ कितना होगा, एक्स बराबर 30 प्लस क्या वाई 3 वाई तो 10 50 आना चाहिए। ओ इस समीकरण कितना था, एक्स माइनस 2 वाई थी वो 20 ने, पागल ही रे 20 ने हाँ है तो 20 तो हाँ 20 हो जाएगा ही, तो 20 ने समीकरण दो 20 ने, एक्स माइनस 3 वाई 20 ने है माइनस तो प्लस, तब 3 गुना 0 एक मान 0 दिए, वाई एक मान 0 दिए, तो 30 प्लस 3 गुना 0 0 बराबर 30, तो अब वाई एक मान 10 दिए, तो एक्स माइनस 3 वाई 20 माइनस तो प्लस, वाई एक मान 0 तो 20 प्लस 3 गुना 0 20 प्लस 0 बराबर 20। और जो नहीं ध्यान दे रहा है उसको नहीं समझ में आएगा, याद रखिएगा एक्स वाई बराबर 10, तो वाई 10 है तो 20 प्लस 3 गुना 10, तो 20 प्लस 3 30 बराबर 20 30 50 मान सारणी एक्स वाई। देखिए रफ का जो मान निकालिए, अब देखिए 10 वाई का मान 0 एक्स का मान 20, अब वाई का मान 10 एक्स का मान 50 हो जाएगा ही। आई अपलोड नहीं भी हो सकता है, लगता नहीं अपलोड होगा है, इन्हें कहना सर प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट से साथे बनाओ, एक मान दिए जी 0 अपने मन से थे एक्स माइनस 2 वाई 30 प्लस तो माइनस एक्स बराबर 30 0 दिए मान दोगुना 0 0 30 आया, अब जो आंसर निकाले थे वाई का मान 10, तो 30 प्लस 2 गुना 10 10 दूनी 20 20 30 50 ये आंसर निकाले थे वाई का मान 10, फिर यहाँ वाई 0 दिए तो 20 आया, आंसर जो 10 निकाले तो 50 आया। अब देखिए इन्हें कहना सर कि अपलोड नहीं हुआ सर, इन्हें कहना एक्स मान 50 वाई का मान 10। अब देखिए हाँ देखिए 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 अब देखिए चलो अब बोलता हूँ देख देख दे ठीक है जो नहीं देख रहे हैं इन्हें की कहना सर अपलोड नहीं हुआ सर, देख कितना आसान देखिए है देखिए ना, बोलो
एक्स इधर टिरानी एक्स एक्स डैस वाई वाई डैस मूल बिंदु जीरो जीरो। अब देखिए सुनो, अब यहां दस छोटा घर रहता है, एक मानेंगे एक, अगर एक मानते हैं तो डिपेंड करेगा पचास तक चल जाएगा, हटेगा मान एक दो तीन चार पाँच छः सात पचास तक हटेगा। तो बोलो पचास कैसे हटेगा, तो मान लो यहाँ जो यहाँ मानते हैं ऐसे करके ऐसे ये रहता दस घर, एक दो तीन चार पाँच छ एक दो तीन चार पाँच माइनस दस, तो मान लो दस दस मान लो यानी दस छोटा घर, दस छोटा घर बराबर दस इकाई मान लो, यहाँ दस मान लो तब आठ जाएगा तो दस एक एक मानेंगे एक क्यों नहीं मानेंगे आठवें करेगा तो दस बीस तीस चालीस पचास साठ। हाँ देखो ये दस बीस तीस चालीस पचास ये माइनस दस माइनस दस। अब देखो ध्यान देना दस क्यों माने नहीं थे, दस क्यों माने, दस क्यों माने, ओ आज अपलोड नहीं होगा, दस क्यों माने नहीं बोलता है जी, ये दस क्यों माने ये क्यों नहीं माने। ग्राफ सही है सही हो, हाँ ग्राफ सही यानी आटेगा नहीं यह, हाँ लाइक ऑल फ्रेंड्स ओ अच्छा यानी आटेगा ही नहीं, इससे दस माने हैं, दस नहीं मानने से जगह नहीं था। अरे कौन सी लिखा है प्रिंस राय प्रिंस आर्या, दस नहीं मानने से जगह नहीं था। हाँ देखिए कितना अच्छा लिखा है, और क्या लिखा है कोमल मेहता क्या लिखा है, क्योंकि एक से नहीं होगा, हमने ये नहीं लिखी एक से नहीं हटेगा चल जाएगा घरों के पार चल जाएगा ये एक जब करेंगे तो घरों के पार चल जाएगा ये इसे नहीं हो पाएगा। हाँ बोल इसे इकाई मान सकते हैं दस अच्छा और की लिखा है, और की लिखा पूजा कुमारी गुड नाइट, आ पूजा गुड नाइट, अभी अभी थोड़े छोड़ रहे हैं अभी उसका जवाब दो। हाँ दो चार हाँ हाँ सही है जवाब, हाँ जवाब दो बहुत अच्छा अच्छा जवाब दे रहा आपको, आप बनाते हैं अभी अभी गुड अभी नहीं अभी तो छोड़ रहे हैं, अभी तो जवाब देना है अभी अभी बहुत टाइम पढ़ाएंगे अभी। हाँ अभी तुम सही बोला है, वाह देखिए अब है, अब देखो दस माने हैं दस बीस तीस चालीस पचास आठ, दस बीस तीस चालीस पचास। अब चलिए तो एक्स का मान तीस वाई का मान जीरो, हाँ बोलो एक्स का मान तीस वाई का मान जीरो की तीस जीरो, जीरो एक्स का मान पचास वाई का मान दस, एक्स का मान पचास देखिए ऐसे पचास देखिए सामने देखिए थे और सामने
तो 50 50 10 माने तुम लोग समझा देते हैं जो उस पर अथी करते हो, खाली ऐसा करो जो हम नहीं समझे सब लिखो ध्यान से अच्छा से, तब तो पूरा समझाएंगे। तो 50 और 10 तो एक्स का मान 50, वाई का मान 10, तो 50 10। अच्छा अब ग्राफ खींच दो, क्या करना नहीं छोड़ा, क्या कर रहा है वो? हाँ यहाँ से ऐसे यहाँ था ऐसे, देखो ऐसे हो गया ही है ना। तो समीकरण का नाम दो, एक्स माइनस 2y = 30। अच्छा उसके बाद एक्स का मान 20, वाई का मान 0, एक्स का मान 20, वाई किस अक्ष पर, एक्स अक्ष यहां देखिए यहां कि 20 0, एक्स का मान 50, वाई का मान 10, अब रहना तैयार, अब रहना सब 50 ऐसे है, एक्स का मान 10 वाई, एक्स का मान 50 वाई का मान 10, एक्स 50 वाई 10 की बोलते नहीं थे, हाँ की बोलेंगे, क्या बोलते हो, नहीं बोल रहे हैं नुनू, हाँ बोलो नु, खुश रह की बात हो, अभी यूट्यूब पर पढ़ा देने तो नहीं पढ़ानी है, अच्छा तो आप उसे नहीं फोन करो पढ़े घड़ी, पढ़ाने घड़ी हमको पढ़ाने दो मन से, तब हम नहीं बोल देंगे ठीक है, पहले मन से पढ़ लो, वाह पहले मन से पढ़ो, फोन करना ना बाद में, फिर हमको मन से पढ़ा दो 2 घंटा पहले हमको, आगे पूछो कि तो की दिक्कत हो, नहीं दिक्कत हो, हाँ अब दो देखिए ऐसे मिला दे, ऐसे मिला दे, अरे सब लोग मन से पढ़ लीजिए तब करेंगे। तो इस समीकरण का नाम दे दो, इसका इसमें नाम है कि यहाँ नाम है एक्स माइनस 3y = 20, एक्स माइनस 3y = 20। यहाँ दे दे इसका नाम, यही तीन यही नहीं नाम दे, एक्स माइनस 20 इसका नाम पड़ गया। अब देखो यहाँ कटा, देखो यहाँ कटा, यही पर कटा है, एक्स का मान 30, वाई का मान 0, एक्स अक्ष पर एक्स का मान 50, वाई का मान 10, 50 10, तो ऐसे मिला दिए इसको, इसका समय एक्स माइनस 2y = 30, एक्स का मान 20, वाई का मान 0, एक्स अक्ष पर एक्स का मान 50, वाई का मान 10, तो 50 और 10 ऐसे में आज समीकरण का नाम दे दिए। अच्छा अब है इसका हल लिखो, 50 10 पर कटा है तो यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा, यानी एक्स बराबर 50, वाई बराबर 10, क्योंकि एक्स 50 पर है, वाई यार वो लिख दिया 10 छोटा घर बराबर क्या इकाई, 10 इकाई, 10 छोटा घर बराबर, ऐसे तो किताबें हम है ना ग्राफ पेपर, हम लिख दें आंसर, यह लेते हैं आंसर ऊपर में। तो पिता का वर्तमान उम्र कहीं भी रहेगा ग्राफ पेपर में, आंसर लिखना नीचे में, नीचे जब नीचे लिखेंगे जो आंसर लिखेंगे ना, यहाँ खाली यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, लेकिन ग्राफ पेपर पर ही लिखेंगे, ग्राफ पेपर पर ही लिखेंगे पिता का वर्तमान उम्र,
एक्स वर्ष, एक्स का मान बोलो 50, किसका था 50, 50 वर्ष। अब पुत्र कौन बोलो, वाई वर्ष, तो वाई का मान बोलो 10 वर्ष। अब तुम लोग तैयार रहना, और इस समझ में आ गया भाई। अब तुम अपने बनाना, तैयार रहना अपने बनाना, देखते के पहले भेजता है, आंसर नहीं पूरा बना करके तैयार रहना है। हाँ समझ में आ गया, वाह अब तैयार रहो, जैसे क्वेश्चन लिखेंगे तो अपने बनाना, तब समझेंगे सब बना लिया है, जितना पढ़ रहे हो सब तैयार हो जाओ। चलो चलिए अब देखते हैं क्यों कौन सीखे हैं, कौन सीखे हैं देखते हैं। देखिए तंग करते हैं, फोन करते हैं, तंग करते हैं। अच्छा क्लास खोलने दो जरा सा, तंग करता है, जानता किसे पढ़ाते हैं। चल नुनू सब निकाल ग्राफ कॉपी, तैयार है ना सब, तैयार है ना, ये हिसाब तो हो 29, हिसाब तो 29 हो। 9 रुपया में 9 रुपया में 2 पेंसिल, दो पेंसिल और 3 रबर खरीदता है, और 2 पेंसिल और रबर खरीदता है। तैयार सब तैयार हो जाओ, खरीदता है। अच्छा तथा सोहन, तथा सोहन 5 रुपया में 1 पेंसिल और 1 पेंसिल और 2 रबर खरीदता है। सही है, रबर ऐसा रबर खरीदता है, तो 1 पेंसिल और 1 रबर का मूल, तो 1 पेंसिल और 1 रबर मूल्य ज्ञात करें। चलो हम मूल्य काफी विधि से याद करें। चलो जल्दी बना देखा के पहले, जल्दी बनाओ के पहले। के पहले अस्पीड वैसे ने अथी ग्राफ पर बना सो, ग्राफ पर तो तेज तुम्हें सब भेज दिया, वो तो डुप्टी करने किया, ग्राफ बना रही
वह ग्राफ रखो बनाओ। अच्छा सर, अच्छी टाइम देवो ग्राफ बना करके, ग्राफ बना करके तब भेजें। हाँ हाँ कोचिंग खोलने के बाद साथ नहीं छोड़ा, हम पढ़ाते रहेंगे, ऐसे पढ़ाते रहेंगे। चिंता करता है, चिंता करता है, पढ़ाते रहेंगे कि ऐसा तो कहे हैं। कोचिंग खुलने का, कोचिंग जो है खुलने का आदेश तो दे दिया, लेकिन पढ़ाई का आदेश अभी थोड़ा दिक्कत में है, इसलिए अभी एक दो दिन ऐसे पढ़ लो। आज जब कोचिंग खुलेगा, खुलिए गया है, आप आ सकते हैं, मैंने पूछताछ कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं गार्जियन से लिखा करके, लेकिन पूर्णतः पढ़ाई का ऑर्डर नहीं दिए हैं गवर्नमेंट, इसलिए अजय अभी पढ़ते रहो। और जैसे कोचिंग खुलेगा तब तो गड़बड़ आ देंगे, सुबह 4 बजे से 9 बजे तक, और एक टाइम पढ़ाएंगे मैथ, एक टाइम पढ़ाएंगे साइंस वर्ष पूरा। इसलिए अभी मैंने, हाँ तुम मिलने आ सकते हो, हम मुझे रहते हैं सुबह में, है ना, लेकिन अभी वहाँ पढ़ाने कार्यक्रम नहीं होगा, आ सकते हो, समझा सकते हैं, दिक्कत पूछ सकते हो, ऐसा दिया ऑर्डर। ठीक है, अभी इसी में पढ़ो ये परिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी पूरा सेवा करेंगे आपका। हाँ स्कूल खुल गया है, खुल तो गए क्या है। हाँ अब आ रहा है, बना रहा थी, अब देखिए अब मिलाइएगा, फिर देंगे तुरंत आपको। वाह देखे तो, अरे कोमल मेहता, अंबिका सिन्हा, कुमार गुड्डू, पूजा कुमारी, रोशन कुमार, जी सर आपके बात से सहमत हूँ। हाँ सहमत हैं, स्कूल खुल गया लेकिन वहाँ पढ़ाई का नहीं, पूछताछ कर सकते हैं, आकर आप सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो हो ही जाएगा, खुल ही जाएगा, और तभी आपका हम सेवा करेंगे। हाँ हम अपने बोलेंगे, जब कोचिंग खुल जाएगा ना तो अपने बोलेंगे कि कोचिंग खुल गया, और अभी हम नहीं बोले हैं, इसे बोले हैं अभी तत्काल पढ़ो इसी पर। हाँ तुम मिलने आ सकते हो, पूछने आ सकते हो, लेकिन अभी पढ़ाई का आदेश नहीं दिया गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे आदेश मिल तो बोलो और ताजी हैं। चलिए हाँ आप देख लो, हल है माना कि एक पेंसिल एक रबर हाँ चलो जी, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया और एक रबर का मूल्य 2 रुपया। अब समझिए तो 9 रुपया में 2 पेंसिल 3 रबर है, तो 9 रुपया में पहली स्थिति में स्थिति में
₹9 में दो पेंसिल और तीन रबर मिलता है। पहली स्थिति में ₹9 में दो पेंसिल क्या तीन रबर मिलता है, तो पहले तुम ऐसे समझा देते हैं कि चूंकि एक पेंसिल का मूल्य ₹100, चूंकि एक पेंसिल का मूल्य बहुत अच्छा बनाया तुम लोग, वाह, एक पेंसिल का मूल्य ₹100, यहां क्या पेंसिल है, दो पेंसिल, दो गुना ₹100 बराबर ₹2, ₹2। अच्छा थोड़ा हम जानते हैं अधिकांश बना लिए, हम जानते हैं तुम अधिकांश बना लिए हो, आ चूंकि एक रबर का मूल्य ₹Y, इसलिए क्या रबर है, तीन रबर, मूल 3 × Y, 3Y। तो प्रश्न से समझे, एक पेंसिल का मूल्य ₹100, एक रबर का मूल्य ₹Y, वही पूछ रहा है कि एक पेंसिल और एक रबर का मूल्य ज्ञात करें। एक पेंसिल का मूल्य ₹100, एक रबर का मूल्य ₹Y, तो चूंकि एक पेंसिल का मूल्य ₹100, तो यहाँ क्या पेंसिल है, दो, तो दो पेंसिल का मूल्य 2 × ₹100, ₹2। अगर एक पेंसिल का मूल है ₹100, तो दो पेंसिल का 2 × ₹100, एक रबर का मूल ₹Y, तो तीन रबर का मूल ₹3। हमारे बोर्ड पर दो पेंसिल का मूल बोलो ₹2, तीन बार का मूल बोलो ₹3। अब बराबर, अब कुल क्वेश्चन क्या रुपया, ₹9 है कि तीन पेंसिल दो रबर कितना मिलता है, ₹9 क्वेश्चन कहता है, तो ₹9, तो 2X + 3Y = 9 इक्वेशन फर्स्ट। और तब दूसरी स्थिति में ₹5 में एक पेंसिल, ₹5 में एक पेंसिल और दो रबर, मिलता है, तो ₹5 में एक पेंसिल और दो रबर, एक अब ऐसे समझी, तो एक पेंसिल का मूल क्या रुपया, ₹100, तो एक गुना ₹100 और दो रबर का मूल, तो दो रबर का मूल, तो एक रबर का मूल ₹Y, दो रबर का मूल 2 × ₹Y बराबर ₹5, खत्म, कि ₹5 में एक पेंसिल दो रबर, तो एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल मूल क्या रुपया, ₹1 × ₹100, एक रबर का मूल क्या रुपया ₹Y, तो 2 × ₹Y, अब कुल क्या रुपया ₹5 है, तो X + 2Y = 5 समीकरण 2। अब देखिए, अब इसको ग्राफी विधि से हल करना है,
कितना ऐसे आंसर निकाल दें, कितना ऐसे निकल गया, इसमें से निकालेगा कितना कि 2x + 3y = 9 आ यहाँ गुना कर देगा दूसरे तो 2x + 4y = 10 ऐसे कर दिया, कितना देखिए ऐसे ऐसे कर दिया तो 3y - 4y - y - 1 वाई के माने एक लाया देखो, एक लाया देखो, वाई के माने एक लाया देखो तो वाई एक लाए हो देखो तो आंसर कितना दिया था x3 y1 राइट। अब देखिए हल करना ग्राफ से, हल करना ग्राफ से, ऐसे हल नहीं करना इसको है। अब आइए यहां तो निकाल दिए, अब चलिए ग्राफ पेपर पर, चलो ग्राफ पेपर पर आ जाइए। आज इसको खत्म ही कर देंगे, रुको ना आज खत्म कर देंगे इसको। हाँ यहाँ एक एक इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ समीकरण एक से एक से एक कितना देखिए, देखो 2x + 3y = 9 तो 2x = 9 - 3y - 9 - 3y/2 अच्छा यहाँ वाई का मान 0 नहीं दो तो 9/0 में आ जाएगा, वो 9 - 3y तो वाई 0 देगा तो 9 - 3 × 0/2 9/2 तो 4.5 आ जाएगा। इससे बचिए तो दीजिए दे वाई का मान 1 दीजिए 1 तो x = 9 - माने मान हम कुछ भी दे सकते हैं, मान बटा से बचिए क्या हुआ कहा पीडीएफ में कहिए रखिए क्या कर दिया था तो 9 - 3 × 1 मान हम कुछ भी दे सकते हैं, बटा से बचिए, पॉइंट से बचिए, सब मान बटा क्या है 2 तो x = 9 - 3/2 6/2 तो 3 आ जाएगा ही। अब वाई का मान आ दीजिए, देखा को दीजिए दे वाई का मान, दीजिए दे वाई का मान 3 हाँ 3 राइट 3 तो x = 9 - 3 × 3/2 तो 9 - 9/2 0/2 तो 0। अच्छा समीकरण 2 से तो 2 क्या है x + 2y = 5 तो x = 5 - 2y 5 - 2y x 5 - 2y 2y तो दे दो y का मान, तो y मान दो 1 कुछ भी दे सके हैं 5 - 2 × 1 नहीं जीरो दे दें, जीरो मत जीरो दे ले जीरो, वाई का मान 0 x = 5 - 2 × 0 तो 5 - 0 = 5 नहीं वाई नहीं 1 दे मान तो कुछ भी दे सके अपना मान, सब में से समान आ गए कुछ भी तो मान दे सकता कुछ भी 5 - 2 × 1 तो 5 - 2 = 3 x = 5 - 2 x = 3 तो मान सारणी। y का मान 1 x का मान 3 y का मान 3 x का मान 0 y = 0 x = 5 y = 1 x = 3 खत्म। आ जा ग्राफ पेपर पर आ जा,
अच्छा जो बना लिए हो तैयार है ना। हाँ ऐसे बनाया होगा तुम लोग, ध्यान देना। रुक गया था, अब कभी धोखा नहीं होगा, मोबाइल बन गया ना, फिर धोखा हो जाएगा। तीन दो दो मोबाइल रखे हुए हैं, अब फिर धोखा हो जाएगा। तो एक्स का मान 3, वाई का मान 1, उठा एक्स का मान 3, यहाँ देखिए एक्स का मान 3, सामने सामने है, एक्स का मान 3, वाई का मान 1, 3 1, और एक्स का मान 0, वाई का मान 3, यहाँ देखिए एक्स का मान 0, वाई का मान 3, तो वाई एक्स पर 0 3, ऐसे मिला दो। अरे जो ध्यान देगा अरे ग्राफ एक्का को बना लेगा, परीक्षा में तो कुछ बुझेगा अरे, और जो ध्यान देगा वो क्या करेगा, ध्यान दो। अपलोड नहीं भी हो सकता अपलोड। अच्छा एक्स का मान 5, वाई का मान 0, एक्स का मान 5, वाई का मान 0, यहाँ हो गया 5 0। इस समीकरण का नाम ले दो, समीकरण का नाम है 2x + 3y = 9। अच्छा एक्स का मान 5, एक्स का मान 3, अच्छा ऐसे हो जाएगा, वही एक्स का मान 5, वाई का मान एक्स एक्स पर 5 0, आई 3 1। अच्छा यही आंसर आ गया, देखो ये 3 1 आंसर आ गया, ये यही देख देखते हैं। हाँ यहाँ 2x + 3y = 9, देखिए तो हो जाएगा कि इसका मान हो जाएगा x + 2y = 5, 5, यहाँ से लम डाल दिए, यहाँ से लम डाल दिए, तो 3 1 हो गया। तो एक पेंसिल का मूल, अतः यहाँ लिखना है आंसर, अतः पेंसिल का मूल्य एक्स रुपया, एक्स का मान 3, एक रबर का मूल्य 1 रुपया, 1 रुपया। चलो अब आ जाओ, अब एक बच रहा है इसमें, इसमें बच रहा है जय, जब ने कहेगा तुमको कि ज्यामितीय निरूपण करें, तो ये ग्राफे हो गया। ये जब क्वेश्चन दे दे तुमको कि ज्यामितीय निरूपण कीजिए, ऐसा अब तो हल्का हो जाएगा ना। देखें हिस्सा नंबर हो 4, 4, ट्रेन ए के पहिया के पथ का समीकरण, ट्रेन ए के पहिया, ट्रेन ए के पहिया का पथ, पहिया के पथ मतलब रास्ता का समीकरण, समीकरण बराबर से क्वेश्चन एक, समीकरण x + 2y - 4 = 0,
जीरो और ट्रेन बी के पहिया के पथ का समीकरण टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस बारह बराबर जीरो। टू एक्स प्लस क्या है, फोर वाई माइनस बारह जीरो। इस स्थिति को ज्यामितीय निरूपण करें, ज्यामितीय निरूपण करें। इसका अर्थ समझा, इसका अर्थ है कि इसका ग्राफ बनाइए। जब ज्यामिति करा सब ग्राफ खींच दो, तेजी जिसको आता है बना तेजी में, दोनों का आलेख खींच दो। हल नहीं करना, आलेख खींचो, एक्स प्लस टू वाई माइनस चार। आलेख कैसा था वो जवाब दो ना। अब है एक्स प्लस टू वाई माइनस चार और टू एक्स प्लस थ्री वाई। ओहो ठीक है, एक्स प्लस टू वाई माइनस जीरो। अब देखें हल, एक्स प्लस टू वाई चार बराबर जीरो, एक्स बराबर चार माइनस टू वाई, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। दे दो मान, वाई को मान दे दो जीरो, चार माइनस जीरो बराबर चार। अगर ये दो वाई को मान दे दो दो, तो एक्स बराबर, जल्दी बनाओ, मना बोल कि समीकरण कैसा आया है, बना बोल समीकरण कैसा, बना बोल। समीकरण कैसा आया मनाक बोल, ग्राफ कैसा है मनाक बोल, ग्राफ कैसा है मनाक बोल। तो दो गुना दो, चार माइनस चार बराबर जीरो, एक्स वाई वाई का मान जीरो, एक्स का मान चार, वाई का मान दो, एक्स का मान जीरो। अच्छा अब समीकरण दो से, ये समीकरण एक से हुआ है, नहीं लिखवा इसमें एक से, समीकरण दो टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस बारह जीरो। तो दो लोग को ऐसे मार दो, लो दो कॉमन ऐसे, एक्स प्लस टू वाई माइनस छः बराबर जीरो, तो सुविधा पड़ जाएगा जीरो। दो कॉमन ले लिए, एक्स प्लस दूनी चार माइनस छः, एक्स प्लस टू वाई माइनस छः जीरो बटा दो, एक्स प्लस टू वाई जीरो, एक्स बराबर छः माइनस टू वाई, छः माइनस टू वाई, टू एक्स प्लस चार वाई माइनस बारह जीरो, दो कॉमन एक्स, दो दूनी चार, छः दूनी बारह जीरो, गुना तो भाग, एक्स प्लस टू वाई माइनस छः जीरो, तो एक्स प्लस टू वाई माइनस छः जीरो, तो माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। अब ले लो वाई का मान
जीरो, एक्स का मान 6 माइनस 2 गुना जीरो, 6 माइनस जीरो तो 6, वाई का मान 3, एक्स बराबर 6 माइनस 2 गुना 3, जीरो। वाई का मान जीरो, एक्स का मान 6, वाई का मान 3, एक्स का मान जीरो, खत्म। आया समांतर आया था तो ग्राफ समांतर आया है? नहीं, बोलता है जी ग्राफ समांतर आया है। आ तो कोई बोल यून रहा है, हाँ ग्राफ समांतर, देखिए रोशन राजकुमार ग्राफ समांतर राइट, किसका आया है? चंद्र समांतर, हाँ समांतर होगा, देखिए अब सही को बना रहा है, वाह रखें, यानी ग्राफ समांतर हो जाएगा। चलो देखिए वाई वाई डैस, तो चलो एक्स का मान 6 तक है, तो एक दो तीन चार पाँच 6, चलो और एक्स का मान 4, वाई का मान 0, एक्स एक्स पर 4 0, एक्स का मान 0, वाई का मान 2, एक्स का मान 0, वाई का मान 2, तो 0 2 एक्स का मान 6, वाई का मान 0, एक्स का मान 0, वाई का मान 3, समांतर आया है, सही है, ऐसा समांतर है। समांतर कैसे हो गया? कैसे आया है? ऐसे कैसे आया है? टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस 12 जीरो प्लस टू कॉमन, एक्स प्लस टू वाई माइनस 6, तो 6 माइनस टू वाई, वाई का मान 0, तो 6 सही तो है, 6 हाँ समांतर है, सही है। जिसके पास ग्राफ पेपर है वो तो ऐसे ही आया, देखो तो जो ग्राफ बनाया यहां गुजरा 6 से, देखिए तो 6 4 गुजरा है, यस चैनो कर, हाँ समांतर होगा, जो ग्राफ बनाया यहां गुजरा 6 से, देखो तो हाँ ऐसा, यहां गुजरा 4 से,
हाँ अरे कुल लगा हुआ है रे, बहुत पढ़ने में है कुलदम, बहुत पढ़ने में। तुम पढ़ने में तो हम भी पढ़ाने में हैं, तुम पढ़ने में तो हम भी पढ़ाने में हैं। कि समांतर आलेख है तो यह आलेख समांतर है, खत्म। अब चलो अब है एक ही ग्राफ चलो अब तुम्हारा हिसाब है केसी सिन्हा का 20 का 2, 20 का 2 एक ग्राफ पेपर पर, एक ही ग्राफ पेपर पर आलेख खींचे, एक ही ग्राफ पेपर पर आलेख खींचे। बिस्मा है जैसे वाई बराबर एक्स, इक्वेशन फर्स्ट वाई बराबर 2x, इक्वेशन दो एक्स प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन 3। इसको देख लो हिसाब, जानने की क्या है एक ही ग्राफ पेपर पर आपको आलेख खींचना है, हल नहीं करना, खाली आलेख खींच के दिखा दो बस। एक ही ग्राफ पेपर पर आलेख खींच के दिखा दो, देखो इससे है हल एक से, समीकरण एक से वाई बराबर एक्स, वाई बराबर क्या है एक्स, तो दे दो एक्स का मान, एक्स का मान दे दो कुछ माइनस एक, या दे कोई दिक्कत नहीं, एक दे दो एक्स का मान एक, या जो जीरो दे जीरो, एक्स का मान जीरो तो वाई बराबर जीरो, एक्स का मान एक तो वाई बराबर एक, खत्म। एक्स वाई मान सारणी कुछ भी दे सकते हो तुम, एक्स मान जीरो तो वाई बराबर जीरो, एक्स मान एक तो वाई के मान एक, तो एक्स का मान जीरो वाई के मान जीरो, एक्स का मान एक तो वाई के मान एक, कम से कम दो मान देना चाहिए समीकरण दो से वाई बराबर 2x, एक्स का मान जीरो तो वाई बराबर 2 गुना 0 बराबर जीरो, एक्स का मान एक, एक्स का मान एक तो वाई बराबर 2 गुना 1 2, एक्स का मान जीरो वाई का मान जीरो, एक्स का मान एक वाई का मान दो, खत्म। आता हूं समीकरण 3,
तीन से एक्स प्लस वाई बराबर छ, वाई छ है, एक्स प्लस वाई बराबर छ, तो एक्स बराबर छ माइनस वाई, प्लस तो माइनस, एक्स प्लस वाई छ प्लस तो माइनस, तो मान कुछ भी दे सकते हो, तो वाई का मान जीरो, एक्स का मान छ माइनस जीरो तो छ, तो वाई का मान छ, एक्स बराबर छ माइनस छ तो जीरो, एक्स वाई, तो एक्स का मान वाई का मान जीरो, एक्स का मान छ, वाई का मान छ, एक्स का मान जीरो, है ना, एक्स प्लस वाई छ प्लस तो माइनस, वाई का मान जीरो तो छ घटा जीरो छ, वाई का मान छ, एक्स बराबर छ माइनस छ तो जीरो आ जाएगा, तो वाई बराबर एक्स, एक्स का मान जीरो, तो मान कुछ भी दे सकता है, एक्स का मान जीरो तो वाई का मान जीरो, एक्स का मान एक तो वाई का मान एक, वाई टू एक्स, एक्स का मान जीरो, दोगुना जीरो जीरो, एक्स का मान एक, वाई वाई दोगुना एक तो दो आ जाइए अब है एक ही, देखिए थे सामने, सामने है हाँ, सामने देख, सामने है, एक ही आलेख हाँ, एक्स एक्स डैस और वाई वाई डैस, चलो तो क्या हाल नहीं करना है, एक ही ग्राफ पेपर पर आलेख खींचना, एक ही पेज पर, क्या बोलो यहाँ एक्स छ तक है, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, माइनस एक माइनस दो जीरो, चलिए अब आलेख ही तो, एक्स का मान जीरो, वाई का मान जीरो, मुड़ा मुड़ा, एक्स का मान जीरो, वाई का मान जीरो, यहां हो जाएगा, एक्स का मान एक, वाई का मान एक, एक्स का मान एक, एक एक यहां जाएगा, ये ग्राफ खींच दो ऐसे ऐसे, आप एक्स का मान जीरो, वाई का मान जीरो, यही हो गई, ये किसका है ग्राफ, ही नाम दे दो, समीकरण नाम दे दो, वह ग्राफ वाई बराबर एक्स का अच्छा, अब वाई एक्स का मान, अब इसका चलो दो का, एक्स का मान जीरो, वाई का मान जीरो, यही होगा, एक्स का मान एक, वाई का मान दो, एक्स का मान एक, इसके सामने देखिए है, ये
यहाँ लेते हैं देश को, इसका नाम हो गया वाई बराबर एक्स का ग्राफ। एक्स का मान जीरो, वाई का मान जीरो, एक्स का मान जीरो होगा नहीं होगा ये, एक्स का मान एक, वाई का मान दो, दो ये ग्राफ किसका हो गया बोलो, y बराबर 2x, y 2x हो गया। अब यहां देखो तीसरा समीकरण का देखो, ये हो गया y बराबर x का, ये हो गया y बराबर 2x का, y 2x, अब हो गया x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6, x का मान 6, y का मान 0, किस अक्ष पर, x अक्ष पर 6 0, x का मान 0, y का मान 6, 0 6, जीरो छ, इसको ऐसे मिला दो, हाँ बस खाली आलेख खींचना था, इसका नाम एक्स प्लस वाई बराबर 6, बस इसमें हल नहीं करना था कि आलेख खींचना था, समझ में आया मैसेज कर। मैसेज कर समझा, मैसेज समझा देखो तो। चलिए अब है क्या बोलता है, क्या बोलता है, अब इसमें आलेख तुमको इसमें सब बता दिया आलेख हम, देखो है खाली क्या कि यहाँ देखिए कहता है कि एक व्यक्ति ए बिंदु 0 3 1 3 मिलाने वाली राह पर दूसरे व्यक्ति स्थिति को समीकरण ज्यामितीय निरूपण कीजिए 6। छः का है बना, दिखाओ तो बना तो हिसाब 6। समझा समझा क्या बोलता है, नहीं थे इसमें केवल ग्राफ खींचना था, समझा इसमें केवल ग्राफ खींचना था, समझ में आ गया, इसमें केवल ग्राफ खींचना था। आएगो बना देखा तुम, तैयार हो तुम लोग, कि 0 3 अब देखें सुन लो तो तुमसे ग्राफ बन जाएगा। एक आप पूछो तो ग्राफ में कौन ने बना है, अच्छा जो पहने आपने पहना बनवे दे पहने, यहाँ बच गया तुमको हिसाब 21 बच गया, 21 ए बी का मान ज्ञात करें जिसके निम्नलिखित रैखिक समीकरण का अनंत अनेक हल होगा। तू जाओ अब पूछा कि अच्छा है
पूछा है देखो अब देखो क्वेश्चन है एक इसमा है एक इसमा है ए बी का ए और बी का ए और बी का मान ज्ञात करें मान ज्ञात करें मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण का अनंत हल है मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण का अनंत हल है हल है कि क्या समीकरण देखो है कि 2x प्लस 3y बराबर 7 ए प्लस बी एक्स टू ए माइनस बी वाई नहीं ठीक है एक यहां क्या है ए प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई बराबर 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 देखो ध्यान देना देखिए एक प्लस ठीक है आप तुमको बनाने कहेंगे रुक जाओ तो जिस दिन लेसन स्टार्ट किए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण फार्मूला बताए थे विरोधी होने का शर्त और विरोधी होने का शर्त और आश्रित होने का शर्त या अनंत हल होगा ऐसे बताए थे देखो ऐसे है देखो कैसे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 आज पर हिसाब ही बताए थे अब ध्यान दो रहे नुनू अब ग्राफ पर नहीं अब हिसाब आ गया ही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 तो लिखे थे तीसरा पॉइंट में था आश्रित होने का शर्त तो ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ है ना ए बटा डी याद करो एक्स का गुणांक है ए बटा डी बी बटा ई तो लिखे थे अनंत हल होगा इसका अनंत हल होगा इस पर हिसाब बनाए बनाएंगे चेक करेंगे ध्यान देना आश्रित होने का शर्त ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ इसका अनंत हल होगा ऐसे बताए थे तो जो नहीं पढ़े हैं फॉर्मूला पढ़ लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर क्या है 0 बराबर 0
तो अगर ए बटा डी एक्स का गुणांक के एक गुणांक डी ए बटा डी बराबर बी बटाई बराबर सी बटाई एफ किसका अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। आप देखें तो तुमको इस पर हिसाब बताए थे जैसे देखिए से टू जैसे देखिए हाँ टू एक्स प्लस चार वाई बराबर पांच और थ्री एक्स प्लस या चार एक्स प्लस आठ वाई बराबर दस। अब देखिए यहाँ बराबर जीरो है, यहाँ क्या है पांच है, इसमें भी सही हो जाएगा। अगर इधर नए भी लाएंगे तब भी सही हो जाएगा। कैसे देखिए दो बटा चार बराबर चार बट एक सा गुणांक दो एक गुणांक चार दो बटा चार यहाँ गुणांक चार यहाँ गुणांक आठ बराबर पांच बटा दस। तो दो दूनी चार चार दूनी आठ पन दूनी दस एक बटा दो बराबर एक बटा दो बराबर एक बटा दो सही ले। अच्छा आपको ऐसे करेगा टू एक्स प्लस चार वाई अब प्लस तो माइनस पांच प्लस तो माइनस पांच प्लस तो माइनस पांच आ देखिए है चार एक्स प्लस आठ वाई अब माइनस दस बराबर जीरो ऐसा आ गया ये इस रूप में आ गया। तब वही चलेगा दो बटा चार बराबर चार बटा आठ अब माइनस पांच बटा माइनस जैसे माइनस पांच सी के स्थान पर माइनस पांच एफ के स्थान पर क्या है माइनस दस। देखिए दो बटा चार आठ चार बटा आठ माइनस पांच बटा माइनस दस दो दूनी चार चार दूनी आठ ये कट गया पाँच दूनी दस। अब देखें एक बटा दो एक बटा दो एक बटा दो इसको इधर लाओ या नहीं लाओ बात क्या है बराबर है। इधर लावे अगर देखो नहीं भी लाए देखिए एक बटा दो है अगर ला भी दिए तो माइनस पाँच बटा माइनस दस तो माइनस माइनस कट गया पाँच यही समझा रहे हैं याद रखना। अगर इधर इसको लावें या नहीं लाएं बात क्या बराबर की पाँच बटा दस एक बटा दो इधर ले आए तो माइनस पाँच और माइनस दस माइनस कट गया पाँच दूनी दस एक बटा दो एक बटा दो एक बटा दो है सही। तो लावें या नहीं लाएं बात क्या बराबर है आप देखो बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है हल देखो बोलिए समीकरण एक और दो से यानी टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर सात और ए प्लस बी एक्स प्लस टू ए माइनस बी वाई बराबर थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस वन। देखो जी टू एक्स हिसाब सही है ये सब मिला लिया देखो तो कहाँ टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर सात ए प्लस बी एक्स टू ए माइनस बी वाई थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस वन। हाँ चलो आप बच्चों हिसाब आने देखो देखे देखे तब बोले तो दिया हुआ है इसका कितना हल है देखें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण का अनंत हल है तो दिया है इस समीकरण का अनंत हल है अनंत हल है तो क्या होता है ए बधे थे एक्स का गुणांक के यहां गुणांक दो यहां गुणांक के प्लस बी तो क्या होगा तो दो बटा ए प्लस बी बराबर
यहाँ वाई गुणांक तीन, तो तीन बटा टू ए माइनस बी, टू ए माइनस बी बराबर सी बटा एफ, अचर पद सात बटा थ्री ए प्लस बी प्लस वन। ध्यान देना यहाँ करा है कि अनंत हल होगा, तो अनंत हल होगा तो ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी, थे यहाँ एक्स का गुणांक ए, यहाँ गुणांक दो, एक्स का गुणांक डी, यहाँ एक्स का गुणांक ए प्लस बी, तो दो बटा ए प्लस बी बराबर यहाँ वाई गुणांक बी, यहाँ वाई गुणांक तीन, यहाँ वाई गुणांक ई, यहाँ वाई गुणांक टू ए माइनस बी, अगर इधर लावें या नहीं लावें वो तो माइनस कटिए जाएगा, तो सी का स्थान पर हो गया सात, इससे माइनस सात होता, एफ के स्थान पर हो गया थ्री ए ए प्लस बी प्लस वन, तो सात बटा थ्री ए प्लस बी प्लस वन। अब देखिए तो जब दो चर रहेगा तो दो समीकरण आएगा, तो कोई दो लोग बराबर करे माने तीनों आपस में बराबर है, तो कोई दो आपस में बराबर, यही दोनों बराबर कर दो, पहले ये दोनों बराबर कर दो, अब ये कर दो या ये कर दो, यानी कोई दो को साथ रखो, इसको रखो या इसको रखो या इसको रखो, कोई दो को साथ रखो, तो देखो क्या आ जाएगा, देखो है तो चूंकि दो बटा ए प्लस बी बराबर तीन बटा टू ए माइनस बी, तिरछा तिरछी गुना, तो दो गुना दुए, देखिए दो गुना दुए दो दूनी चार ए माइनस टू बी, दो दूनी चार दो गुना बी माइनस टू बी, तीन गुना ए थ्री ए अब प्लस तीन गुना बी तीन बी, तो चार ए माइनस टू बी, चार ए माइनस टू बी अब प्लस टू माइनस थ्री ए अब प्लस टू माइनस थ्री बी बराबर जीरो, तो चार ए घटा थ्री ए ए माइनस टू बी माइनस थ्री बी माइनस पाँच बी बराबर जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ अब देखो अब चूंकि अभी इस ले लो साथ है यहाँ लिख देते हैं, तो चूंकि ये कैसे हो गया ही? अब ये बराबर ये कर लो, ये बराबर कर दो, दो बटा या इसको ही कर लो ही, एक ही बात है, दो बटा ए प्लस बी बराबर सात बटा थ्री इंटू, सात बटा थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस वन, तो तिरछा तिरछी गुना पहले जो बने टू बटा ए प्लस बी बराबर सात बटा तीन ए तीन बी आ प्लस तीन, तीन ए प्लस तीन बी प्लस क्या है तीन, तीन तो सात गुना ए सात ए सात गुना बी सात बी तीन दूनी छः बी आप प्लस छः ऐसे तीन दूनी छः तीन दूनी छः तीन दूनी छः तो सात ए अब प्लस सात बी माइनस छः ए माइनस छः बी माइनस छः बी अरे बराबर छः तो सातें घटाओ छः ए सातवीं घटाओ छः बी प्लस बी बराबर छः समीकरण दो। अब तब यहाँ से ऐसे करना है
एक और दो से आंसर कितना आंसर के देना है एक और दो से समीकरण एक और दो से है 800 5 1 में हाँ ए माइनस 5b = 0 एक यहाँ है ए प्लस बी बराबर 6 कि समान है ही माइनस 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 कट गया माइनस बी तो माइनस छः कट गया बी बराबर 6/6 एक बी एक आया है बी एक आया है अब बी का मान समीकरण एक में देने पर बी का मान एक में दे दो एक में क्या है ए माइनस 5b = 0 ए माइनस 5 × 1 = 0 छ कि 5 है एक बी का मान एक मान 5 न तो 5 = 0 a = 5 ए माइनस 5 = 0 तो a = -2 तो +5 अतः a = 5 b = 1 आंसर फिर समझ लो अच्छा से अब तब हिसाब देंगे बहाने तुम्हें हिसाब देंगे कुछ है समीकरण एक दो है तो चूंकि दिया हुआ है इसके समीकरण अनंत हल है अनंत हल है आश्रित है a/d = b/e = c/f रहेगा 2/a + b 3/2a - b 7/3 × a + b + 1 तो 2 3 आपस देखिए 2/a + b 3/2a - b 7/3 × a + b + 1 अब ये तीनों आपस में बराबर है तो कोई दो आपस में बराबर कर दो अब उसका समीकरण निकाल लो तो 2/a + b = 3 ई तो बराबर कर दिए वही भी फिर इसको बराबर कर देंगे या ये बराबर कर देंगे तो 2/a + b 3/2a - b 3 × 3 = 4a 2b 3a 3b +2 − 0 तो 4a + 3a −2b − 3b −5 = 0 एक बार ये बराबर ये करो या ये बराबर ये कर दो एक ही बात है तो 2/a + b = 2/a + c = 7/3 × a + b + 1 तो देखिए तो ये 2/a + b 7/3 × a 3a पूरा पर ब्रैकेट है 3 × b 3b 3 × 1 3 3 × 3 = 7 7 × a 7a 7 × b 7b 3 × 6 3 × 6b 3 × 6 +2 − 2 − 7a + 7b − 6 − 6 = 6 7a - 6a 7b - 6b 6 समीकरण दो एक और दो से एक में है a − 5 = 0 और दो में है a + 0 क्या है 6 घटाने पर +2 − +2 − +2 − कट गया तो −5b − 3 −6b दोनों माइनस से देखे हैं −6 कट गया गुना तो भाग एक समीकरण एक में देने पर a − 5b = 0 बी का मान एक तो 5 × 5 −2 + a = 5 b = 1 समझ में आया समझ में आया नहीं बोलता है रे हाँ हाँ प्रणाम गुरु जी ठीके छो लेकिन समझ में आयो ना हाँ रे पूरा एगो नो संदीप कुमार के है रे कहाँ घर उसका है वो नहीं समझता ओ श्रीकांत कुमार कौन है
नहीं कह रहा है, क्यों नहीं कह रहा, दो दो बार समझा। अच्छा एक ही सवाल बता देते हैं श्रीकांत बाबू, एगो एगो सुजीत कुमार भी है, राहुल भी सब कैसे समझता है पता नहीं चलता, लगता है क्या करें इतना समझा रहे हैं, है न। अच्छा ठीक है, तो एक भाई एगो हमार बता देते हैं अच्छा रहेगा। लो अब तुमको जैसे इसमें ऐसे तुम कहेगा ऐसे लो, हाँ तो इक्कीस का था ये पहला, इक्कीस का फर्स्ट था, फर्स्ट था। अब बनाओ तो इक्कीस का बनाओ तो छ, इक्कीस का छ बना दिखाओ। लो ए बी का मान याद के खड़ी, यहाँ टू एक्स प्लस सात खड़ी, यहाँ अंतर हो, यहाँ बस यहाँ अंतर हो, ए प्लस बी प्लस वन एक्स, की बोला एक्स, ए प्लस टू बी प्लस टू, ए प्लस टू बी प्लस टू वाई बराबर चार ए प्लस बी प्लस वन, जो तेज दिखा बना तेज में तेज बना दिखा, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर सात, ए प्लस बी प्लस वन एक्स, ए प्लस टू बी प्लस टू वाई, तो फोर ए प्लस बी प्लस वन, जल्दी बना दिखाओ क्या बना दिखाता है अस्तेन अस्तेन। हाँ हल तो टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर सात, ए प्लस बी प्लस वन एक्स, ए प्लस टू बी प्लस टू बराबर चार इंटू ए प्लस बी प्लस वन, तो दिया है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन दो दिया है, समीकरण का अनंत हल है, दिया है समीकरण अनंत हल है, लेकिन इस हिसाब से लिखे हैं छठा, तो छठा की देखिए छठे नहीं, हाँ तो दो बटा आगे बना आगे आगे बना आगे दो बटा ए प्लस बी प्लस वन, सुना दो यहाँ प्लस वन है, तीन बटा y गुणांक तीन, y गुणांक a प्लस टू बी प्लस टू बराबर सात बटा चार a प्लस बी प्लस वन। अब चूंकि दो बटा है सही में सही नहीं है, तीन बटा चूंकि किराबे ले लो तीन बटा, अरे बनाता के पहले तिरछा तिरछी गुना तीन गुना ए तीन ए तीन बी प्लस तीन, तीन गुना ए तीन बी प्लस तीन, दो गुना ए टू ए चार बी, तो दूनी चार
तीन ए प्लस तीन बी अब माइनस टू ए माइनस फोर बी बराबर चार प्लस टो माइनस तो थ्री ए घटाओ टू ए ए तीन बी घटाओ टू माइनस बी थ्री ए घटाओ टू ए तीन बी माइनस बी बराबर एक इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा अब चूंकि हाँ क्या है बनाया बनाया है ई बराबर ही ले लो या ई बराबर ले लो ई तो चूंकि दो बटा सात बटा चार क्या पाले उन्हें दिया आंसर दिया आंसर दिया है ऐसे मिला कैसे मिला तू चारे चार बी प्लस वन चारे फिर गुना कर दो चार गुने चारे चार बी प्लस वन गुना कर दो चार दून ऐसे तिरसा चार दूनी आठ आठ है आठ बी प्लस दो चार दूनी आठ चार दूनी आठ दो सात है सात बी प्लस सात 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 बी प्लस सात आठ प्लस आठ बी माइनस सात प्लस तो माइनस अब प्लस तो माइनस आठ घटाओ सात ए आठ माइनस सात बी प्लस बी पांच समीकरण एक और दो से एक और दो से कितना आंसर आया है एक ए प्लस बी बराबर पांच कट गया टू ए बराबर छ ए बराबर छ बटा दो तीन तीन आया देखिए तीन आया है एक का मान समीकरण एक में देने पर एक क्या है ए माइनस बी बराबर वन एक का मान तीन माइनस बी बराबर वन तो माइनस बी वन माइनस तीन माइनस बी बराबर माइनस दो तो बी बराबर दूला है ए बराबर तीन बी बराबर दो कितना लोग आंसर लाया देखो तो नहीं तो एक मान तीन तस्मिन अब बी का मान दो हाँ सही है राज भाई हाँ एक मान तीन और को मना जी एक मान तीन राजा राम क्लास कब से खुलेगा तो हम बोल देंगे अपने पढ़ो जब खुलेगा हम अनाउंस कर देंगे जब खुलेगा हम अनाउंस कर देंगे हाँ चलो आप देते हैं दे होमवर्क लिखते अच्छा बनाया बहुत अच्छा कुल बनाया है वाह ये की लिखता है जी डीओडू वो मैंने बन गया है अच्छा चलो तो अब तुम सुन लो होमवर्क
हैमबर्ग, हैमबर्ग। तो हैमबर्ग में, हैमबर्ग में है केसी सिन्हा, एक्सरसाइज 3.1, 3.1 पूरा, केवल दो को छोड़ करके, यानी 23, 24 बोलो 22 पूरा, 22, 24 की लिखता है, 22, 24 अब 25 ये छोड़ करके, इन्हें बताए हैं, अब पूरा बनाना, इसको छोड़ के पूरा बन जाएगा, पूरा बनाना। और प्राथमिक गणित में, अच्छा अब प्राथमिक गणित में, प्राथमिक क्या है, लेसन है ये, कल दे दिए थे, दो का, हाँ दो का बी, दो का बी पूरा, आलोक भी बना, आलोक भी, आलोक बनाना है, आलोक INCERT, इसमें देखा लेसन कौन है, तो कल भर इसको हम और पढ़ाएंगे, आज तब पूछना, कल भर और इसमें है, आज तब पूछना, ठीक है, आज तब चल जाएंगे आपको रियल नंबर। आज जब स्कूल में सरकार आदेश देंगे कि स्कूल खुलेगा तो अपने में अनाउंस कर देंगे कि चला लो रे स्कूल खुल लो है, ट्यूशन खुल गए लो, ये सभी अच्छी रात हुआ, दो दिन रुको कैसा माहौल है, गम लेंगे तब करेंगे, ठीक है। होमवर्क बनाइए, दिमाग बढ़ाइए और लाइफ में सक्सेस कीजिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाइए, है ना, और तब अच्छा रहेगा। छोड़ते हैं हम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।